गूगल पे चले जाएं। खा आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, दोनों पे एक ही तरीका है, एक ही सारा कुछ जो दिखाई देता है वो एक ही तरह का होता है। तो बिलफर्ज यही तरीका है। ये देखें, यहाँ हम सबसे पहले वफाकुल मदारिस लिखते हैं। आप ज़्यादा कुछ भी ना लिखें, रिज़ल्ट ये वो कुछ भी ना लिखें, उसमें लंबा काम हो जाता है, आसानी से नहीं मिलता। वफाकुल मदारिस लिखें, उर्दू में लिखें तब भी, इंग्लिश में लिखें तब भी, दोनों तरीके से इसी तरह ही आपके सामने आएगा। आप मोबाइल पे हैं तब भी और अब लैपटॉप पे हैं तब भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह चीज़ें आएंगी। ये देखें, सबसे पहले वफाकुल मदारिस एक इंग्लिश में और एक तरफ उर्दू में लिखा हुआ। ये वफाकुल मदारिस की वेबसाइट है जो अभी आपको हमने खोल के दिखाई है, जो कि ये है। ठीक है, आपने इस पे नहीं जाना, आपने क्या करना है, एक ही मिनट के अंदर अपना नतीजा आप देख सकते हैं, बल्कि पूरी क्लास का भी देख सकते हैं। ये है मदारिस नतायज कुतुब, दर्ज कुतुब की जितनी भी क्लासें होती हैं तमाम के तमाम नतायज इस पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरे मदरसे के मिलेंगे, पूरी क्लास के मिलेंगे। यहाँ से अगर आपने अपना अकेले का निकालना है और कशफ दर्जात भी निकालनी है अपने की, तो यहाँ इनफरादी नतीजा जो है वो यहाँ है, और इसके अलावा अगर आपके हिफ्स का नतीजा है तो वो यहाँ है। अब यहाँ तलबा और तलबात दोनों का एक ही जगह पे होता है। तो हम चलते हैं मदारस नतायज, यानी कि पूरी क्लास का आप किस तरह निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, मदारस नतायज कुतुब पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, मोबाइल पे भी इसी तरह आएगा, लैपटॉप पे भी इसी तरह आएगा। ये देखिए, मदारस मकतब नतायज लिखा हुआ है। अब ये दर्जा कुतुब का है, इस पे चार खाने होते हैं, बनीन, बनात, सालाना, ज़िमनी। चूँकि आपका सालाना है तो सालाना पे क्लिक रहेगा, बनीन आप तलबा हैं तो बनीन पे, अगर आप तालिबात हैं तो यहाँ बनात पे आप क्लिक कीजिएगा। बस हम इसको बनीन पे ही फ़िलहाल रहने देते हैं। उसके आगे हम चलते हैं साल का इंतखाब, यानी कि आपका इस साल कौन सा, यानी कि साल का आपने इम्तिहान दिया, यानी अब ये चल रहा है 1444, चूँकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया तो इस वजह से ये गुज़श्ता सालों के नतायज यहाँ आप मालूम कर सकते हैं। तो 1443 पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये दर्जा चूँकि सनव्यामा पहले से क्लिक कर रखा है हमने, तो ये इसी पे ही रहेगा बिलफर्ज। हम वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, एक साइड पे जो ये क्लिक का निशान है आप इस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल पे है या लैपटॉप पे जैसे भी, तो दोनों पे आसानी से आप इस तरह किसी भी आप साल का इंतखाब कर सकते हैं। तो उसके आगे चूँकि आपने पूरी क्लास का यहाँ रिज़ल्ट मालूम करना है, तो यहाँ इलहाक नंबर लिखना होगा, मदरसे का इलहाक नंबर आपको याद होना चाहिए, बल्कि आपकी अगर सबका असनाद हैं तो हर सनद पे आपके पास ये इलहाक नंबर लिखा होता है। तो यहाँ हम तलाश कर लेते हैं बिलफर्ज। जैसे आप तलाश करते हैं ये देखें रिज़ल्ट आ गया है, यही रिज़ल्ट होता है आपके पास, बिल्कुल एक मिनट का काम है, आप आसानी से। अब अच्छा, एक काम ये भी है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आपने अपना इनफरादी नतीजा, यानी कि आप कशफ़ दर्जात निकालना चाहते हैं अपने ज़ाती और अपना अकेले का रिज़ल्ट मालूम करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। बिल्कुल एक ही तरीक़ाकार है, सिर्फ रोल नंबर लिखना होता है बस, और कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये देखिए, हम एक तालिबे इल्म का रोल नंबर हमने लिख दिया है। ये रोल नंबर हमने लिख लिया, जैसे ही आप इस पे तलाश पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा उस बच्चे का माशाल्लाह, इसके बच्चे के नंबर हैं 555, यानी कि बेहतरीन नंबर हैं और मुमताज़ भी है माशाल्लाह। 600 में से 555, 92% नंबर हैं, बहुत ज़बरदस्त नंबर हैं इसके। बिलफर्ज अब हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है इसी तरह जो हमने पहले देखा था, पूरे मदरसे का वो भी हम डाउनलोड करने का तरीका देखते हैं। ये देखें, इसके सामने मोबाइल पे है या लैपटॉप पे, ये दो ऑप्शन होंगे आपके पास, वापस जाएं या प्रिंट करें। आपने क्या करना है, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं ये देखें हमारे पास ये खोल के आ गया है सामने, क्योंकि ये लैपटॉप है तो आपके पास मोबाइल पे भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ इसको ये नीले निशान पे, ये प्रिंट का निशान है, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा हमारे पास, चूँकि हमने सेव नहीं करना फ़िलहाल, इसको हम बैक चले जाते हैं। तो अच्छा, ये तरीका तो हो गया। इसके अलावा मसलन आपने पूरी क्लास का सेव करना है तो उसका तरीका भी आपको बता देते हैं,
ये देखें, यहाँ 1443 लिख देते हैं, यहाँ तलाश करते हैं तो ये पूरी क्लास का रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीन डॉट खड़े हैं। तीन डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सामने आपके पास आ जाता है शेयर का निशान। आप इस शेयर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल पे आपको हम बता रहे हैं इस वक्त, तो ये मोबाइल पे आसान है इसको करना। तो जैसे शेयर पे करते हैं तो आगे आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन आता है। आप इस प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो सामने ये देखें आपके पास इस वक्त ये प्रिंट होकर आ गया है। फिर इसको आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं और पूरी क्लास के अंदर अपने जो व्हाट्सएप आपके पास ग्रुप होंगे उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ये सादा सा तरीका है, इसको आप जहन नशीन कर लें, बल्कि वीडियो आप सेव कर लें तो बाद में भी जब रिज़ल्ट आएगा तो उस वक़्त आप इसको देखकर दोबारा भी अपना तरीकाकार मालूम कर सकते हैं।